टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ये सब ऑर्थोग्राफिक में कर रहे हैं, जिसमें ये यहाँ से लेंथ मिलेगा, हाइट एंड विड्थ। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट एंड साइड व्यू बनाना है। लेंथ 70 प्लस 30 100 है, हाइट 45 है और विड्थ 60 है। सो पहले सर्कल बनाएंगे टॉप व्यू में। तो पहले इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, 60 का मिड पॉइंट 30। रेडियस कितना है? 30। बाद में रेडियस 15 उसके बाद ये तो लाइन डार्क कर देते हैं। बाद में एक्सेस, दिस इज रेडियस 30। ये देखो यहां से रेडियस 30। उसके बाद रेडियस 11। ये देखो ये हो गया और ये डायरेक्ट जॉइंट है, तो वो भी बना देते हैं। ये रेडियस 11। उसके बाद ये 22। ये 10 है, तो 5 ऑन बोथ द साइड्स। बाद में यहां से प्रोजेक्ट करेंगे, यहां से भी प्रोजेक्ट करेंगे। अभी देखो ये जो पार्ट है सर्कल वाला, उसको ऊपर लेके जाएंगे। ये हाइट कितना है? 15। ये लाइन डार्क आएगा, ये लाइन भी डार्क आएगा। इसका डॉटेड आएगा, ये जो सर्कल का पार्ट है वो डॉटेड आएगा। ये देखो ये हो गया। एक्सटेंड और यहां से इधर ज्वाइन कर दो। उसके बाद ये जो सर्कल है उसका एक्सट्रीम एज LRTB। सो जो LR है, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला लाइन और एक्सट्रीम राइट वाला लाइन, वो तो डॉटेड आएगा फ्रंट व्यू में।
ये हो गया, अभी हम लोग साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू में क्या दिखेगा, ये रेक्टेंगल, तो उसको पहले बनाते हैं। ये साइड में रेक्टेंगल, उसके बाद ये जो सर्कल है उसको भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम लोग। आप लोग एक्सिस लाइन को प्रोजेक्ट करके हाफ हाफ दोनों साइड भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा अलाइनमेंट प्रॉब्लम है या कुछ भी, अगर नहीं लगता तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखो ये दो, अभी ये दो लाइन पीछे की, ये जो है ना, ये अंदर जो जा रही है डेप्थ, ये हो गया छोटा सर्कल, और ये बड़ा सर्कल जो थ्रू एंड थ्रू है। हमेशा याद रखो, जब भी डेप्थ नहीं दिया है हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये पूरा है। उसके बाद ये वाला पार्ट, ये देखो, ये जो है ना रेक्टेंगल छोटा सा, वो भी रेक्टेंगल ही दिखेगा साइड में। इस प्रकार से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, साइड व्यू हो गया। आप लोग डायमेंशनिंग कर सकते हो और लेबलिंग कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया। अगला सम लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।